हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में एक खास फंक्शन है जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका कि नाम है रैंड। रैंडम फंक्शन की बात करेंगे हम, रैंडम फंक्शन की। तो चलिए ये बात करते हैं रैंडम फंक्शन की। तो जब भी रैंडम फंक्शन की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले रैंडम फंक्शन को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना होगा इम्पोर्ट, कुछ इस तरीके से लिखिए इम्पोर्ट और फिर यहाँ लिखिए रैंडम। तो रैंडम फंक्शन को यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट रैंडम लिख दिया। अब ये रैंडम फंक्शन जो है इसमें इम्पोर्ट हो गया है। अब हम इसमें ट्राई करते हैं रैंडम फंक्शन को यूज करने की। तो पहले हम रेंज का यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं रैंडम कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। और ये पूछा भी जाता है खासतौर पर क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए, और भी जो बच्चे हैं जो BCA में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा है, काफी आपको आगे चल करके चीज़ें आसान होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जा रहा है। तो यहाँ रेंज को मैं ले लेता हूँ रैंडम रेंज, ठीक है। ये ले लिया हमने और हम चाहते हैं कि एक रेंज दे दें, एक रेंज दे दें। लाइक हमने यहाँ पे रेंज दे दिया 100, तो 100 तक के सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। 93 आ गया, देख सकते हैं, क्लियर है ना। और अगर फिर आऊँ तो पहली बारी में 93 इसने जनरेट किया था, दूसरी बारी में 6 जनरेट कर दिया, ठीक है। फिर अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ये कर लिया हमने इसको कॉपी, और यहाँ पर इसको ला करके पेस्ट करता हूँ सेम चीज़। फिर एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 60 आ रहा है। फिर इसी चीज़ को लेके आता हूँ तो फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है। आपको याद है एक्सेल में हम लोग रैंड फंक्शन का यूज़ करते थे, रैंड बिटवीन, ठीक है। तो ये रैंड रेंज जो है अब 100 के अंदर का देगा, जब भी देगा तो ये 100 तक का नहीं देगा, 100 के अंदर का देगा, ठीक है। तो ये रैंड फंक्शन था। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम दो नंबर्स के बीच का रैंडम नंबर जनरेट कराना चाहते हैं। ये रिक्वायरमेंट अगर हो तो यहां पे लगा दीजिए कॉमा, और मान लीजिए कि 100 से लेकर 500 के बीच जो रैंडम नंबर, अब 500 तक नहीं आएगा, 500 से कम यानी 499 तक के रैंडम नंबर यहां पे आएंगे। तो यहां देखिए 223 आ रहा है, ठीक है। फिर इसी को मैं ले लेता हूं यहां से, ये हमने इसको कॉपी किया यहां से जाकर के, और फिर यहां पर जाकर के इसको पेस्ट कर देता हूं और फिर एंटर करता हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर 336 आया। फिर इसको पेस्ट करता हूं, फिर देखिए यहां पर कुछ और आएगा। फिर इसको पेस्ट करता हूं, यहां पे कुछ और आएगा। तो ये देख सकते हैं यहां पे 183 आ रहा है। तो जब भी ये आएगा तो जो सेकंड नंबर आप देंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर भी दे रखा तो यहां पे हमने 100 दिया था, तो 99 तक वैल्यूज प्रिंट होने की संभावना है। पॉसिबिलिटीज कब तक है? 99 तक की वैल्यूज को ये प्रिंट कर सकता है। जब हमने यहां पे दो रेंज दे दिया, इसको 100 से लेके 500 कह दिया, तो 500 के बीच का नंबर देगा ये। ये बात ध्यान रखिएगा, 500 के बीच का नंबर देगा कोई भी, समझ में आ रही है बात। तो ये चीज है। दूसरी बात है कि एक्सेल में जब हम यूज करते थे तो एक्सेल में हम क्या करते थे, हम अगर केवल रैंड लिख देते थे तो वहां पर पॉइंट में वैल्यूज जनरेट होती थी, लेकिन यहां रैंडम लिखने से पॉइंट में वैल्यूज जनरेट नहीं हो रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पॉइंट में वैल्यूज जनरेट हो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और काम करेंगे। एक और चीज मैं दिखाता हूं आपको, रैंडम मॉड्यूल का यूज दिखाता हूं। तो ये लिखा मैंने रैंडम, ये मॉड्यूल है। रैंडम क्या है? ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। और ये फंक्शन है हमारा रैंडम, RANDOM, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हमने लिखा, ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ने के बाद एंटर प्रेस करिए तो यहां पर एक देख सकते हैं पॉइंट वाला नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। अगर इसी को मैं दोबारा से कॉपी करता हूं तो दूसरा पॉइंट वाला नंबर जनरेट होगा। देखिए यहां पे पेस्ट किया मैंने, यहां पे देख सकते हैं ये दूसरा आ रहा है। फिर अगर मैं इसी को पेस्ट करता हूं तो फिर ये दूसरा आएगा। फिर यहां पर फिर पेस्ट करता हूं, फिर दूसरा आएगा। तो देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये वर्क कर रहा है। और इसका वर्क का करने का जो तरीका है ये समझ लीजिए, बस आपको यही समझना जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इंटीजर के बारे में क्या ख्याल है? यहां पे अब मैं लिखता हूं रैंडम, कुछ इस तरीके से रैंडम लिखा मैंने, और फिर यहां लिखता हूं रैंड, और फिर यहां इंट की बात करते हैं। जब भी इंट की बात करेंगे ना तो ये इंटीजर नंबर आएगा, क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो रैंडम डॉट लगाएंगे यहां पर, डॉट, ये डॉट हो गया रैंड, ठीक है। और यहां पे इंट लगा देता हूं, इंट यानी इंटीजर नंबर, पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा, इंटीजर आएगा। तो यहां 4 कर दिया हमने और यहां कर दिया 90, तो ये 4 और 90। अब देखिए यहां पर जैसे ही एंटर करता हूं तो 11 आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं ये 11 आ रहा है, क्लियर। अब इसको कॉपी करता हूं यहां पर, फिर पेस्ट कर देता हूं नीचे, ओके, ये पेस्ट किया हमने। अब एंटर किया तो कितना आया? 67 आया। फिर इसको पेस्ट करता हूं, अब एंटर किया तो क्या आया, देख सकते हैं ये 77 आया।
तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी। अब यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे मैंने रैंडम डॉट रैंडम लगाया था, याद है आपको, तो पॉइंट वाली वैल्यूज जनरेट हो रही थी। तो क्या यहां पर रैंडम में फिर से लगाता हूं, ये देखिए मैंने लिखा रैंडम और फिर लिखा मैंने डॉट रैंडम, रैंडम, ठीक है। रैंडम यानी मॉड्यूल है और रैंडम, ये सेकंड वाला रैंडम जो है फंक्शन है। तो इस बार मैं टू कर देता हूं, यहां पे टू किया। क्या टू करने से ये चलेगा, एक बार एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पर ये काम नहीं करेगा। जैसे अगर आपको ये लगता हो कि यहां पे टू लिख देने से पॉइंट वाली टू की सारी वैल्यूज जनरेट होंगी जो टू के नीचे हो, तो ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।